वहीं केंद्रीय मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र खटीक अपने संसदीय क्षेत्र टीकमगढ़ पहुंचे और शहर के गांधी चौराहे पर दिव्यांग बच्चों और आम लोगों से वो मिले। इस दौरान उन्होंने लोगों की समस्याएं भी सुनी। आपको बता दें कि समस्याओं के जल्द से जल्द निस्तारण करने का उन्होंने भरोसा भी दिया है और इस दौरान उन्होंने दिव्यांग बच्चों को आइसक्रीम और चाट भी खिलाई, जिसके बाद बच्चों के चेहरे खिल उठे। डॉक्टर वीरेंद्र खटीक ने आपको बता दें कि टीकमगढ़ पहुंचकर खुशी जाहिर की है और क्षेत्र के विकास के लिए प्रतिबद्धता जाहिर की। तो वो उनके चेहरे पर जो मुस्कान का भाव आ रहा था, वो जो साइन लैंग्वेज है, सांकेतिक भाषा, उस सांकेतिक भाषा में जब वो इस तरह से खुशियाँ प्रकट करते हैं, जब बहुत प्रसन्न होते हैं हमारे दिव्यांगजन जो बोल नहीं पाते हैं, सुन नहीं पाते, वो इशारों में इस तरह से अपनी खुशियाँ प्रकट करते हैं। तो वो आइसक्रीम खाते समय, चाट लेते समय जो खुशियाँ प्रकट कर रहे थे, उनके वो चेहरे की खुशियाँ देखकर हमको अपार आनंद और हर्ष का अनुभव हो रहा था।